जो हजरात पंडाल के और जलसा गाह के आए और दाएं जलसा मना रहे हैं, उनकी बारगाह में खलूस मोहब्बत और अकीदत के साथ दावत देता हूं कि वो जलसा गाह में तशरीफ ले आ जाएं। क्योंकि बात वही हो गई कि मंजर सी लगी थी आग मेरे घर के आसपास, मंजर सी लगी थी आग मेरे घर के आसपास, और ऐसे भी बदनसीब हैं जो खड़े हैं प्यासे समंदर के आसपास, ऐसे भी बदनसीब हैं जो खड़े हैं प्यासे समंदर के आसपास। ये फेज है दरिया रहमत का गौसे आदम का, जो लुटाया जाएगा सब पर यकसा। अब जिसके कशकोल में जितना दम है वो अपने दामन को भर लो। मुसलमानों, ये वो वक्त है, ये वो सदी है कि ये सोने का वक्त नहीं, ये व्हाट्सएप और टिकटॉक पर अपना वक्त गुजारने का वक्त नहीं, बल्कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए जो तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए जो तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है फत्तर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है फत्तर की चोट से। फत्तर ही टूट जाए, अरे वो शीशा तलाश कर, फत्तर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और तेरा ईमान लुट गया ये सुरा कुल्ली मौलवियों के चक्कर में, ये पीरा मुरीदी के चक्कर में, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से। ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर। आओ दोस्ताने मोहतरम, अशीरों के मुश्किल कुशा गौसे आदम, हम फकीरों के हाजत रवा गौसे आदम। जमी पुकारे गौसे आदम, जमा पुकारे गौसे आदम, कौन गौसे आदम, वह क्या जूदो करम है, वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह, कौन हुजूर गौसे आदम, इमामुल कलाम कलामुल इमाम है, कौन सरकार आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी जो नाइब रसूल है, जो कश्ता इश्क रसूल है, जिसके दम कदम से सुन्नियत में बहार है, वो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं मुसलमानों, क्या खूब इरशाद फरमाते हैं गौसे आदम की बारगाह में, वह क्या मर्तबा है ए गौसे वाला तेरा, वह क्या मर्तबा है ए गौसे वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते। सुभान अल्लाह, हम सब हुजूर गौसे आदम की गुलामी में है, और इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आइए दोस्ताने मोहतरम, मजलिस का और इस महफिल को बेदार रखते हुए मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक और जाब्ता कायदा के मुताबिक, सबसे अव्वल हम सब के आका व मौला मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम खुसार, सैयदुल अबरार व अखियार, शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा, दाफे बलैयात आका, शाफे अमराज आका, गिरतों को उठाने वाले आका, रोतों को हंसाने वाले आका, जाहिलों को आलिम बनाने वाले आका, शराबियों को बाग बाग बना देने वाले आका, पूरी कायनात को अपनी रहमत की नूरी चादर में छुपाने वाले आका, हम सब के आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके बारे में सरकार आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आओ दोस्ताने मोहतरम, उसी मोहतरम नबी की बारगाह में बुलंद आवाज के साथ सभी हजरात एक मर्तबा दुरूद पाक का विर्द पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं ये चाहता हूँ आज की महफिल में हमारे काबिल तारीफ हैं जितने भी सुनने सुनाने वाले हजरात हैं, बिलखसूस जिन्होंने एहतमाम किया, किबला अख्तर भाई और उनके बिरादर अशफाक हशमती साहब किबला, जिनसे मेरी बात इस मुनसलिक और इस सिलसिला में करीब एक साल से चल रही थी, और आज वो बात पाए तकमील पर पहुंची कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ मिलाद सजा लिया गया, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और उनके कारोबार में, रिस्क में, रोजी में,
खैर वक्त का इजाफा अता फरमाए। मेरे भाई मेरे बुजुर्गो, मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त आपका लेकर ऐसी गुफ्तगू हो जाए कि आप कुछ यहाँ से लेकर जाए, और उसके लिए कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा जब तक के ये फकीर बोलता रहे। आप भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह के नारे लगाते रहें, क्योंकि नारे लगाना अलामत सुन्नियत है और सहाबा की सुन्नत है। तो मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गो, कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। हाँ, जिसके मुंह में जुबान नहीं ना हो तो फिर उसकी मजबूरी है, उसका बनता है। मगर अल्लाह ने अल्लाह की अता से, नबी के सदके में, गौसे आजम के फजल से, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर नेमत से नवाजा है, और जब हर नेमत से नवाजा है तो उसकी नेमत का प्रचार करो, कंजूसी ना करो। तो आओ मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं कि हम हैं यादों को मनाने वाले। कह दो सुभान अल्लाह, हम हैं यादों को मनाने वाले। तो यादों को मनाया जाए, मिटाया नहीं जाए। आपको एक जुमला और देता चलूं कि इस दौर में अकीदत भी बचाना है और अकीदा भी बचाना है। और एक जुमला और सुनो मुसलमानों, जो फरमाने खुदाबंदी भी और कुरान का उसूल भी है कि रब तबारक व तआला की मंशा यह है कि सुन्नत भी बाकी रखना है, यादें भी बाकी रखना है। तो ये तीन बातों पर इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी कि अकीदत भी बचानी है, अकीदा भी बचाना है, यादों को मनाओ, यादों को कायम करो, मिटाओ नहीं। तो हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, इस्लाम का पहला साल, इस्लाम का पहला महीना, मुहर्रमुल हरम शरीफ का चांद तुलू होता है तो यादें हुसैन बनाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जब हम आगे बढ़े, इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत हमने पेश किया, मोहब्बत के नजराने को हमने पेश किया, याद हुसैन के नारों से दिल को ताज़ा किया, और सफर का चांद नजर आया तो सफर के चांद में हमने याद इमाम अहमद रजा को मनाया। सरकार आला हजरत की याद से हमने गली कूचों को भर दिया, और मसलक आला हजरत की गूंज से हिंदुस्तान की वादी को जगमगा दिया कि कोहे वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है। वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। आप कहीं भी चले जाए, दोस्ताने मोहतरम, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कटक, इटली और जुग्राफिया, अफ्रीका, अमरीका, इंग्लैंड, लाजेंड, जहां भी आप जाएंगे आला हजरत का नारा बुलंद होता जाएगा। ये वजह यह है कि वो इश्के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और सच्चे मुसाफिर थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके में हमें भी इश्के मुस्तफा अता फरमाए। तो मुहर्रम का चांद नजर आया, याद हुसैन को हम मनाते हैं। सफर का चांद नजर आया, याद आला हजरत को हम मनाते हैं। रबीउल आखिर शरीफ आया, 12 रबीउल शरीफ आया तो हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम मिलाद मनाते हैं। अब यादों की ये बारात चली है, यादों की ये बारात चली है, याद हुसैन से चली है, फिर आला हजरत को मनाया है, फिर सबके आका, हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद मनाई गई है, फिर हमने आगे कदम बढ़ाया है दोस्ताने मोहतरम, तो हुजूर गौसे आदम की मिलाद आ गई है। हुजूर गौसे आदम की बारगाह में खिराज अकीदत सुन्नी मुसलमान पेश करता है, यादों को मनाता है, और फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नमाज की बारगाह में हाजिरी दे देता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, रजब में हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद मनाई जा रही है, तो कभी हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद मनाई जा रही है, तो पता यह चला कि हम लोग, हमारी जमात यादों को कायम करने वाली जमात है। कभी हम शबे बरात का हलवा बनाकर बुजुर्गों की यादें मनाते हैं, कभी मुहर्रम का छबील और खिचड़ा बनाकर बुजुर्गों की यादें मनाते हैं, कहो मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। सुभान अल्लाह। कभी हम छठी शरीफ बनकर ख्वाजा पिया की याद मनाते हैं, कभी दोस्ताने मोहतरम हम जो हुजूर गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु का 11वीं शरीफ करके यादों को मनाते हैं, तो पता चला कि हमारी जमात है यादों को मनाने वाली जमात, और एक खबीस जमात है यादों को मिटाने वाली जमात। अब आओ मुसलमानों, एक जमात का दावा है कि मुसलमान सुन्नी मुसलमानों ने जो त्योहार निकाले हैं, जो यादों का सिलसिला निकाला है, सिर्फ ये खाने पकाने के लिए। कह दो माद अल्लाह, माद अल्लाह। आज मैं आपकी बारगाह में यही बात कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करने जा रहा हूँ मुसलमानों, कि हम सुन्नियों पर जो इल्जाम ये दयाबाना वहाबिया, देवबंदिया, नजदिया, मुर्तद हमें देते हैं कि सुन्नियों ने खाने पकाने के लिए ये हलवे की रस्म निकाल ली, खाने पकाने के लिए 11वीं शरीफ की रस्म निकाल ली, खाने पकाने के लिए 6ठी शरीफ की रस्म निकाल ली, खाने पकाने के लिए मुहर्रम शरीफ का छबील खिचड़ा लेकर आए, ना ना मुसलमानों, ये खाने पकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये असल उसूल है, ये कुरान का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है, बुजुर्गों की अदाएं हैं, जो हम यादें मनाते हैं, ये खाना तो सदका है उनका, जो उनके सदके में हमें मुफ्त मिल जाया करता है, मगर असल ये इस्लाम को जिंदा करने के लिए हुआ करती है।
असल ये इस्लाम को जिंदा करने के लिए हुआ करती है। आओ मुसलमानों, आज ये जहन दिया जाता है, मुहर्रम आया, हमें जहन दिया गया कि तुम लोग ये याद हुसैन जो मनाते हो या हुसैन के नारे लगाकर बर्छी और भारा लेकर हाथों में अलम लेकर जुलूस हुसैन लेकर मैदान में क्यों आते हो, जुलूस क्यों निकालते हो? यही मिजाज वहाबियों ने दिया है, ये मिजाज सुरा कुल्ली भी देने लगे हैं। इससे बेहतर ये है कि अपने घरों के अंदर तिलावत कुरान करो। सुला कुल्ली जो मौलवी है वो आज ये कौम को बुजदिल बनाने के लिए दर्श दे रहे हैं कि याद हुसैन बनाना है तो घरों में कुरान खारी करो, याद हुसैन बनाना है तो घरों में दुरूद खानी करो, याद हुसैन बनाना है तो घरों में छबील का अहतमाम करो। ये जुलूस ना निकालो, इन जुलूसों में फितने हैं, ये जुलूस ना निकालो, ये ताजिया ना बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ मैं आपको बताता चलूं कुरान और हदीस की रोशनी में, वाकियात की रोशनी में, कि एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है और जब वो 5 लाख रुपया खर्च करके हज बेतुल्ला को जब पहुंचा और जब काबा मुअज्जमा की बारगाह में पहुंचा और वहां पर उसने बतौर एहराम एक चादर को अपने बसंत लपेटा है और रब की बारगाह में सदा लगाई है, ए रब मुला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए रब तबारक व तआला मैं अपने घर को, मैं अपने बार को, अहलो आयाल को, दोस्त अहबाब को, अपने वतन को छोड़ छाड़ कर तरके दुनिया कर कर तेरी बारगाह में आ गया हूँ, मुअज्जम काबा में आ गया हूँ। ए मौला मुझे बता अब यहाँ करना क्या है, ए मेरे मौला मुझे बता यहाँ करना क्या है। गैब से आवाज आई, ए मेरे बंदे 5 लाख रुपया खर्च कर कर यहाँ पर आया है, ए मेरे बंदे बीवी बच्चों को छोड़कर आया है, ए मेरे बंदे हिंदुस्तान से इतने दूर यहाँ पर आया है, एक काम करो मेरे आबे जमजम से वुजू करो और जाओ ये सफा पे दौड़ो, जाओ ये मरवा पे दौड़ो। बंदा अर्ज करता है मौला इसमें दौड़ने में क्या रखा है? कहा इसलिए दौड़ो कि मेरी बंदी हाजरा यहाँ कई साल पहले दौड़ी थी, मेरी बंदी हाजरा यहाँ कई साल पहले दौड़ी थी। मौला मैं तेरे घर में आया हूँ, काबा मुअज्जमे में आया हूँ, ये वो काबा है मौला के एक नेकी 1 लाख के बराबर है। मौला मैं दौड़ने के बजाय यूं करता हूं कि गुस्ल करता हूं आबे जमजम से, वुजू करता हूं आबे जमजम से और 2 रकात नमाज यहां काबे के सामने बैठकर पढ़ता हूं और कुछ कुरान की तिलावत पढ़ करता हूं और जो कुरान में पढ़ूंगा उसको हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को बख्श दूंगा। ये दौड़ने से क्या फायदा मिलेगा? रब से आवाज आई, नहीं नहीं तुम्हें दौड़ना होगा क्योंकि हमें सुन्नत भी जिंदा रखनी है, यादें भी जिंदा रखनी है। अगर 10 साल तक कोई यहाँ नहीं दौड़ा, 10 साल नहीं दौड़ा तो आने वाली नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था, हाजरा दौड़ी क्यों थी। ए सुन्नी मुसलमानों, इसलिए अलम उठाना पड़ेगा, ताजिया बनाना पड़ेगा, हुसैन के नारे लगाकर मैदान में आना पड़ेगा। अगर ताजिया नहीं बना, हुसैन के नारे बुलंद नहीं किए गए तो नस्लों को पता ही नहीं चलेगा हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है, हुसैन का चाहने वाला कौन है, हुसैन को मानने वाला कौन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए अलम उठाना होगा, याद हुसैन बनाना होगा और याद हुसैन में वो बरकत है कि हमारे कौम की उसके अंदर बका है, जुलूस हुसैन के अंदर हमारी कौम का भविष्य है, इमाम हुसैन की याद में हमारी जिंदगी है और जिंदगी की बका है। जो याद हुसैन से गया वो दुनिया आखिरत से गया। तो दोस्तान मोहतरम, यादों को मनाया जाए, मिटाया नहीं जाए, मगर एक कौम आज साहबे सिफा साहबा बनी हुई है, कोई दिफा साहबा बनी हुई है, कोई अल्लाह वाली कह रही है, कोई अल्लाह रखी कह रही है, माद अल्लाह रब्बुल आलमीन। और सुन्नियों के कामों पर एतराज जताया जाता है कि सुन्नियों तुमने खाने पकाने के लिए त्यौहार बना लिया है, ऐसी कौम तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि आज तुम्हें बताया जाएगा सुन्नियों का कोई काम दकियानुसी नहीं है, सिर्फ ख्वाबो ख्याल का नहीं है बल्कि कुरान की रोशनी में है, अंबिया की सुन्नतों में है, साहबा के तरीके पर हमारे काम है। अब मुसलमानों में आपको बताता चलो, ये जुलूस गौसिया मनाया करो, सुभान अल्लाह, मिलाद गौसिया मनाया करो, जुलूस हुसैन निकाला करो, क्योंकि जुलूस निकाल इमाम हुसैन से एक मोहब्बत साबित होती है। और देखो मुसलमानों, जब जुलूस हुसैन निकलता है तो लोग देखते हैं, दूसरी अकवाम देखती है, तो लोग ये पुकारने पर मजबूर हो जाती है, ये जो जुलूस जा रहा है, ये जो काफिला जा रहा है, ये दीवाने जा रहे हैं, ये हुसैन के दीवाने जा रहे हैं, ये हुसैन के दीवाने जा रहे हैं। तो आज सुरा कुल्ली मिजाज दे रहे हैं कि घरों में कुरान खानी करो। बेशक कुरान खानी एक अजीम इबादत है, बेशक दुरूद खानी एक अजीम इबादत है, घरों में कुरान खानी भी हो, दुरूद खानियां भी हो, मगर जुलूस मोहम्मदी बज रहा हो।
जुलूस हुसैनी बंद ना हो, हुसैन का आलम बंद ना हो, हुसैन की यादें मिटाई नहीं जाए, क्योंकि जो कौम अपने अकाबिर की यादों को मिटा देती है वो कौम सफाए हस्ती से मिट जाया करती है, वो कौम का नामो निशान मिट जाता है। और फिर यह है निस्बत की बातें, यह है मोहब्बत की बातें। और रब तबारक व तआला मुसलमानों, करबला के अंदर दो चेहरे निकले, करबला से दो चेहरे निकले, एक इमाम था हक का और एक इमाम था बातिल का। हक का इमाम अपने घर से निकला, जिसको सैयदुश्शुहदा नवासाए रसूल दुनिया इमाम हुसैन सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते हैं, और बातिल का इमाम यजीद मलीद। और एक जुमला दे दूं कि इमाम हक तलाश करो, पीर हक तलाश करो, रहबर हक तलाश करो, इसमें दीनी और दुनिया दोनों फायदे हैं। मूसा कलीमुल्लाह है, सुभान अल्लाह, हजार साल पहले मैदान मिस्र के मैदान में दो इमाम निकले घर से, एक इमाम हक का निकला, एक इमाम बातिल का निकला। मूसा कलीमुल्लाह हक के इमाम है, कह दो सुभान अल्लाह। फिरौन बातिल का इमाम है, अभी ये दोनों निकले, हक और बातिल की जंग है मुसलमानों। अब मूसा की कौम है हक को मानने वाली, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनके पास इमाम हक है, और जिसके पास इमाम हक होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको नेमतें अता फरमाता है। तो मूसा की कौम अड़ गई, या मूसा कलीमुल्लाह आप हक पर हो, आप इमाम बरहक हो, आप तो इमामुल अंबिया हो, या मूसा कलीमुल्लाह हम ये दुनिया का खाना नहीं चाहते, हम ये दुनिया का खाना खा के उठा गए हैं, अगर इमाम बरहक हो तो जन्नत का खाना चाहिए, जन्नत का खाना चाहिए। जब मूसा की कौम ने कहा तो मूसा कलीमुल्लाह ने अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज पेश की, तो जन्नत से मन और सलवा नाजिल हो गया। तो हक इमाम होगा कि हक इमाम के मानने वाले होंगे तो अच्छे अच्छे लुकमे मिलेंगे, अच्छी अच्छी नेमतें मिलेंगी। इसीलिए तो हमारा इमाम इमाम हुसैन है तो मुहर्रम में शरबत मिल जाता है, खिचड़ा मिल जाता है। हमारा इमाम गौसे आदम है तो दोस्ताने मोहतम जरदा मुरगम मिल जाते हैं, बिरयानी मिल जाया करती है। और जो काले कौवे को हलाल कहते हैं उनके यहाँ तो दोस्ताने मोहतरम खिचड़ी भी नसीब नहीं होती है। तो इमाम हक पर है, इसलिए रब की नेमतें हम पर है, इमाम हक पर है, यहाँ भी खाएंगे, कब्र में भी खाएंगे और जन्नत में भी नेमतें खाएंगे। तो इमाम हक तलाश करो मुसलमानों, इमाम हक रहेगा तो दुनिया के अंदर भी आपकी बहार है और आखिरत में भी आपकी बहार होगी। तो बता ये रहा था, करबला से दो चेहरे निकले, एक यजीद पलीद का चेहरा, एक इमाम बरहक इमाम हुसैन का चेहरा, दो चेहरे हैं मुसलमानों। अब दुनिया ये चाहती कि मौला हम हक पर किसको माने, क्योंकि दोनों का दावा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों का दावा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों का दावा है कि नमाज पांच वक्त की फर्ज है, दोनों का दावा है कि अजान शायर इस्लाम है, दोनों अल्लाह को मानने वाले, दोनों रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। तो ये एक मिजाज, दोस्ताने मोहतरम दो इमाम निकले हैं, अब दोनों का दावा एक है, अजान इधर भी है, अजान इधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज इधर भी है, यजीद भी नमाज पढ़ रहा है, यजीद ये भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे हैं, मगर हक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों टोपी वाले हैं, दोनों जुब्बा दस्तार वाले हैं, दोनों नमाज और नियाज वाले हैं, दोनों अल्लाह अकबर की सजा बुलंद करने वाले हैं, दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो रब तबारक व तआला ने यह मसला हल कर दिया कि याद करो मुसलमानों, जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया, जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, एक नन्ना सा परिंदा अपने चोंच में पानी का एक कतरा लेकर उस आग को बुझाने के लिए चला, बड़ी आबोताब और मोहब्बत के साथ वो बड़ा चला जा रहा है, कुछ परिंदों ने आकर उसको रास्ते में रोका, कहाँ चला, कहा देखते नहीं कि अल्लाह के नबी हजरत खलील को आग में डाला गया है और आग के शोले आसमान से बात कर रहे हैं, तो कहाँ चला, कहा मैं आग को बुझाने चला हूँ, कहा मैं आग को बुझाने चला हूँ, कहा तेरी अक्ल मारी गई, वो मीलों की लगाई हुई आग है, वो सालों की लकड़ी जमा की हुई आग है, वो तेरे एक कतरे से नहीं बुझ पाएगी, वो तेरे एक कतरे से सर्द नहीं हो पाएगी। परिंदा ईमान की हलावत लेकर बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे एक कतरे से ये आग नहीं बुझेगी, मगर मेरा ये अमल इसलिए है कि मैं रब को गवाह करके बताना चाहता हूँ, ए मेरे मौला गवाह रहना, जब तेरे खलील को आग में डाला गया तो उस वक्त मैंने अपनी मोहब्बत का ये सबूत पेश किया, ए रब तबारक बताला तू गवाह रहना, ए मौला मैं तुझको
मुकदमा बना रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूदियों से नहीं है। मौला में तू गवाह रहना कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूदियों से नहीं है। ए मुसलमानों, अब मुहर्रम शरीफ जब आता है तो याद हुसैन मनाया करो और अलम उठाया करो और जुलूस हुसैन निकाला करो, नारे हुसैन लगाया करो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए और दुनिया को रब को हम गवाह कर दे कि मौला तू गवाह रखना कि हमने हुसैन का जो अलम उठाया है, हुसैन की जो याद बनाई है, हुसैन का जो नारा लगाया है, हमारा ताल्लुक हुसैन से है, यजीदियों से नहीं। बेशक आओ मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त की नजाकत को समझते हुए कि यादों को मनाया जाए, मिटाया नहीं जाए। अब आओ, अब मैं जवाब देता हुआ चलूं कि यादों को मनाना किसकी सुन्नत है, कह दो सुभान अल्लाह। चलो अरब शरीफ के अंदर अहद रिसालत में सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और गैर रमजान का महीना है और दिन है पीर शरीफ का, गैर रमजान का महीना है, दिन है पीर शरीफ का, मेरे आका ने रखा है रोजा शरीफ, सुभान अल्लाह। अब देखो मुसलमानों, एक हट्टा कट्टा नौजवान अगर रमजान में रोजा ना रखे तो सब पूछते हैं कि वजह क्या है कि रोजा नहीं रखता, और एक दरवेश सिफत आदमी भी गैर रमजान में रोजा रखे तो फिर हम पूछते हैं कि रमजान, गैर रमजान में रोजा, ये किस लिए रोजा रखा गया। तो दोस्त आने मोहतरम, अगर कोई मेहमान है, नौजवान हमारे यहाँ आए, कोई दरवेश आए, हम उसको गैर रमजान में खाने को पूछे, अच्छा खाना उसके लिए बनाया जाए, और हम जब दस्तरखान पर बुलाए और वो ना कह दे तो हम सोचेंगे कि शायद भूख ना होगी या शायद हमारी मेहमान नमाजी में कोई कमी होगी। जब उनसे पूछा जाए कि आप खाना क्यों नहीं लेते, कहा मैं रोजेदार हूँ, तो हम हैरान होकर पूछेंगे कि गैर रमजान में रोजा किस बात का है, तो वो ये कह देगा कि ये रोजा फला सैयद का है, या वो ये कह देगा फला नफल का है, या कह देगा कि फला मन्नत का है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर रमजान में रोजा रखा, मेरे आका ने गैर रमजान में रोजा रखा, वो भी पीर शरीफ के दिन रोजा रखा। मुसलमानों, सहाबाए किराम ने जब देखा तो बड़ा हैरत हुआ कि रमजान में तो आका रोजा रखते हैं मगर गैर रमजान में रोजा रखे, इसकी वजह क्या है। चलो आका की बारगाह में चलकर पूछ लेते हैं। सहाबाए किराम का एक काफिला नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपने रोजा क्यों रखा। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें नहीं पता कि आज का वो दिन, आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन तुम्हारा नबी दुनिया में तशरीफ लाया, आज का दिन वो दिन है कि तुम्हारा नबी दुनिया में तशरीफ लाया, इसलिए मैंने अपने दिन को याद मनाने के लिए और जिंदा रखने के लिए रोजा रखा। तो मुसलमानों, ये बताओ कि जब नबी का ये अमल है कि यादों को जिंदा रखा जाए, नबी का ये अमल है यादों को जिंदा रखा जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहयात रोजा रखते रहे और उस पर कायम व सालिम रहे, तो पता ये चला कि यादों को जिंदा रखना नबी की सुन्नत है। अब आओ मुसलमानों, आपको जंगे ओहद की वादी में लेकर चलूं। जंगे ओहद वो वाकया है और वो मारका है मुसलमानों, जो इस्लाम के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर एक मुसलमान जंगे ओहद को नहीं जानता तो समझो कि वो कुछ नहीं जानता। जंगे ओहद की वो जंग है इस्लाम की कि एक तरफ बहुत, एक तरफ 313 है और एक तरफ 3000 या 1000 का काफिर कुफार का हमला है। दोस्ताने मोहतरम, जंगे बदर इस्लाम की ओहद बातिल की वो जंग है कि ये 313 रोजेदार हैं और वो 3000 शिकम शेर हैं, ये 313 के पास हथियार भी सही से नहीं है, जिरा भी नहीं है, और यहाँ तक के दोस्ताने मोहतरम सामान असलाह भी नहीं है, जंग का सामान भी नहीं है, मगर उन 3000 के पास सब कुछ है। मगर इतिहास ने देखा, तारीख ने देखी कि उन 313 मर्द मुजाहिद ने उन तमाम 3000 को गाजर मूली की तरह काट दिया, मगर उसमें कुछ शहीद भी हुए। जब शहीद हो गए तो मुसलमानों, एक साल गुजर गया, जिस दिन वो शहीद हुए उसी दिन मेरे आका एक साल के बाद उनकी कब्र अनवर पर आए। सुभान अल्लाह, मेरे आका जब ये आए, साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों, कहा यादों को मनाया जाए, मिटाया नहीं जाए। सुभान अल्लाह, मुसलमानों, मेरे आका एक दिन पहले आ सकते थे, मेरे आका एक दिन बाद आ सकते थे, मगर मेरे आका जिस दिन जंगे बदर हुई, जिस दिन साहबा शहीद हुए, उसी तारीख में आए। तो इससे मेरे आका ने हम सुन्नियों को मिजाज दे दिया कि सुन्नी मुसलमानों, ये कयामत तक के मेरी उम्मत सुन लो, मेरे अपने मरहूमों के नाम पर फातिहा दिया करो, और साल में जो हम बरसी करते हैं, ये बरसी की दोस्ताने मोहतरम जायज होने की एक दलील है कि आका साल भर में अपने शहीदों की कब्र पर गए, और जो हम कब्रों पर जाते हैं, ये कब्रों पर जाना नबी की सुन्नत है। अब आओ मुसलमानों, मेरे नबी का ये अमल
कि शहीदों की कब्र पर पहुंचे, उसके बाद सिद्दीक भी पहुंचे, कह दो सुभान अल्लाह, सहाबा भी पहुंचे, यहाँ हत्ता के हजरत फातिमा जहरा भी पहुंची। अब आओ मुसलमानों, और आपको तारीख में आईना बताता चलूं, आज जो जमात हमसे कहती है कि कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्रों पर चूमना शिर्क है, कब्रों से मांगना बिदत है, मैं बताऊं दोस्ताने मोहतरम, मेरे आका है किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, क्या आपको ख्याल आया कि इस रास्ते पर आगे चलकर मेरी वालिदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक। तो मकाम इबुवा में मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा मालिदा सैयदा सिद्दीका ताहिरा हजरत आमना मदफन, मेरे आका के दिल में ख्याल आया, ये शुरू शुरू इस्लाम की बात है, दौर शुरू इस्लाम का है, मेरे आका के दिल में ख्याल आया क्यों ना अम्मी जान की कब्र पर जाकर हाजिरी दे दी जाए, कुछ लेके जाओ मुसलमानों, क्यों ना अम्मी जान की कब्र पर हाजिरी दे दी जाए। अब मुसलमानों दोस्ताने मोहतरम, इसको खसाइस कुबरा शरीफ के अंदर लिखते हैं और साहिब कसास कुबरा कहते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने इसमें बड़ी नुक्तर ईमान अफरोज बाद इरशाद फरमाई है। अब आका के दिल में ख्याल आया, वैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो गए और कहा या रसूलल्लाह, अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है तो हुक्म रब्बी है कि जाओ अपनी वालिदा की कब्र पर जाकर उनकी ज़ियारत कर लो। सुभान अल्लाह, रब कब्र को भेज रहा है, नबी कब्र पर जा रहा है, मगर वह भी कह रहा कब्र पर जाना शिर्क है, कब्र पर जाना बिदत है। अब आओ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ को उठाने लगे तो जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह हाथ ना उठाए। अब यहीं से गुमराही निकली, वहाबियों ने देखा, वहाबियों के अब्बाओं ने देखा तो कहा कि नबी को इसलिए हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया गया माज़ल्लाह कि आपकी वालिदा ईमान पर फौत नहीं हुई थी। माज़ल्लाह माज़ल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या कहा, ईमान पर फौत नहीं हुई थी। अरे अक्ल के अंधे देव के बंदे, अगर अक्ल होती तो उनके नाम पढ़कर ही तो समझ लेता कि ये नाम जो होते हैं किनके होते हैं। आपके वालिद का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माने अल्लाह का बंदा, और वो आपकी वालिदा का नाम आमना यानी ईमान वाली। सुभान अल्लाह दोस्ताने मोहतरम, और वो ईमान वाली माँ को कह रहा है कि वो ईमान पर फौत नहीं हुई। अच्छा ये कीड़ा उनके जहन में आया कहाँ से, वो ये ऐसे आया कि उनके जहन में उनका जो नबी है माज़ल्लाह, उनकी उनका जो तबलीग है, जो तरीका है और अकीदा, वो ये है कि नबूवत 40 साल के बाद नबी बनता है, मगर सुन्नियों का कुरान का अकीदा है कि नबी रोजे अदल से नबी होता है, माँ के पेट में भी नबी होता है। अब दोस्ताने मोहतरम, उन्होंने ये बरगलाना शुरू किया और तौहीन मुस्तफ़ा और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तौहीन की कि आपकी वालिदा ईमान पर फौत नहीं हुई, मगर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह क्या नुक्ता नफीस बयान फरमाते हैं कि आपके हाथ उठाने के लिए इसलिए मनाही कर दी गई कि शुरू शुरू इस्लाम का दौर है। कोई ये देखकर ये ना समझे कि नबी के हाथ उठाने पर हजरत आमना की बख्शिश हुई, नहीं नहीं, बल्कि आमना का मकाम तो ये है कि मेरे मुस्तफ़ा जिन जिन पेटों में आदम से लेकर आमना तक आए, जिन जिन पीठों में आए, जिन जिन शिकम में आए, मेरे दोस्ताने मोहतरम, नबी का नूर उनको पाक करता गया, हर कुफ्र से आजाद करता गया, हर ऐब से आजाद करता रहा। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया तो एने नूर है या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। अब दोस्ताने मोहतरम, और आपको बताता चलूं, क्या कहा कि हजरत आमना ईमान पर फौत नहीं आई, अल्लाह रहम फरमाए उनका बेड़ा गर्क हो जाए। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे नबी को जिससे निस्बत हो जाए वो ईमान वाला हो जाता है, वो पावर वाला नूर वाला हो जाता है। एक साबी है, अपनी कनीजा को हुक्म दिया कि कनीजा ये खाने का जो दस्तरखान है इसको जाकर धुल लो। अब वो कनीजा दस्तरखान को उठाई, एक कोना पकड़ा, तंदूर आग का जल रहा था और उसमें डाल दिया। जैसे ही आग में डाला, साहबी ने कहा कि कनीजा तेरी अकल मारी गई, तुझको मेरे कहा कि दस्तरखान को धो दो, धोने के बजाय तू आग में डालती है, तू जानती नहीं आग का काम जला देना है। कहा बेशक मेरे आका, मैं जानती हूँ आग का काम जला देना है, मगर मैंने ये हाथ करके डाली। सुभान अल्लाह, मैंने जानबूझकर इसको डाली। कहा क्यों डाली? कहा मुझे एक हदीस पर शक व शुबहा था कि जो मेरे नबी से निस्बत पा जाए वो अमन व अमान में हो जाता है, वो भी उज़ सरैया पर पहुंच जाता है, वो भी नूर वाला हो जाता है। तो मैंने इस दस्तरखान को एक मर्तबा देखा था कि मेरे नबी ने अपने हाथ मुबारक इस दस्तरखान से पहुंचे थे, मेरे नबी का दस्तरखान इस दस्तरखान पे लगा था। दोस्ताने मोहतरम, ये बात चल रही है मगर उधर आग है और दस्तरखान है। साहबी ने देखा, उस लोंडी ने देखा कि आग ने उस दस्तरखान को छुआ तक नहीं, बल्कि जब दस्तरखान निकाला गया तो साफ व शफाफ था। तो ए अक्ल के अंधे देव के बंदे, जिस नबी का हाथ या उंगली मुबारक कपड़े पर लग जाए तो उसको आग नहीं जलाए, और जो नबी जिस माँ के पेट में 9 महीने रहे,
जो नबी जिस माँ के पेट में 9 महीने रहे उसे तुम नापाक कहो माद अल्लाह, तुम कहो ईमान पर ना मरी माद अल्लाह। दोस्तों मोहतरम पता ये चला के ये दीन बिगाड़ने वाली जमात है और इनसे बचो। आइए दुरुस्ती पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अली गय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा जुमला याद रखो, नबी कब्र पर तशरीफ ले गए, सिद्दीक ले गए, उमर ले गए, अली ले गए, फातिमा ले गई। अब आओ मेरे दोस्ताने मोहतरम, दोस्ताने मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब आफ्ताब नबुवत गुरूब हुआ यानी हम सबके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी की कब्र अनवर पर हाजिरी दिया करती। कह दो सुभान अल्लाह, नबी की कब्र अनवर पर हाजिरी दिया करती थी। बाद उसके हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, नबी के पहलू में दफन किया गया, फिर भी हजरत अम्मा आयशा हाजिरी दिया करती थी। फिर उसके बाद में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, वो भी नबी के पहलू में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, कह दो मुसलमानों, अब ये दो सहाबा है एक नबी है। अब भी हजरत आयशा सिद्दीका कब्र अनवर पर हाजिरी दे रही है मगर हाजिरी का अंदाज बदल गया है। पहले जब वालिद थे हजरत सिद्दीक अकबर और शोहर थे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बगैर पर्दे के हाजिर दिया करती थी, मगर जैसे ही हजरत उमर फारूक कब्र में आए हैं और दो सारे मोहतरम हुजरे मुबारका में आए हैं तो आप अब पर्दे की हालत में आती है। लोगों ने पूछा है कि पर्दादारी कैसी, कहा कि पहले मेरे शोहर थे उनसे पर्दा नहीं, उसके बाद मेरे वालिद हैं उनसे पर्दा कैसा, मगर अब गैर महरम हजरत उमर फारूक है। आओ शेरे हिंदुस्तान की जुबान में समझाओ, ए मेरा भोला सुन्नी अब भी नहीं समझा तो कब समझेगा। आयशा बता रही है कि कब्र में जाने वाले मुर्दा नहीं जिंदा है। अरे जब भी आयशा पर्दा कर रही है दोस्तों मोहतरम, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मुलाहिजा भी करते हैं, मदद भी करते हैं, तो पता ये चला कि कब्र वाले जिंदा व जाविदा है। तो दोस्तों मोहतरम, जब नबी के सहाबी जिंदा हैं तो नबी की जिंदगी पे क्या मुनाजरा, क्या मुबाइसा। आला हजरत ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो दोस्तों मोहतरम, रिवायतें तो बहुत सारी है मगर उलमा किराम की एक फहरिस्त लंबी है जो आपको उनकी तकारीर को भी सुनना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी वक्त रहा तो इस पर फिर आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी, मगर मैं आपको बताता चलूं मुसलमानों कि हमें यादों को जिंदा रखना है। अब जो आयत मैंने पढ़ी है वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, ये कुरान है पहला पारा है। ये क्या है मुसल्ला? वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, शायद के कोई हाजी साहब होते तो वो गवाही देते कि मुसल्ला क्या है। मुसल्ला एक पत्थर है जो काबे के पास में रखा हुआ है आज भी, सुबहान अल्लाह, और वो ऐसा पत्थर है कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशाने मुबारक हैं। और ये निशाने मुबारक तब आए मुसलमानों कि जब आप काबा की तामीर कर रहे थे और जब काबे की तामीर ऊंची होती गई तो आपको जरूरत पड़ी कि किसी ऊंची चीज पर खड़े होकर काबे को बनाया जाए। अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बेटे जाओ को एक बड़ा पत्थर उठाकर लेकर आओ। आपने वो पत्थर को उठाकर लेकर आए, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम नाज़रीन को उस पर रखा। अब देखिए कदम नबी जब उस पत्थर पर पड़ा तो पत्थर के मुकद्दर सबर गए, हुक्म रबी हुआ है पत्थर आज तेरा किस्मत ओजे सरैया पर है, आज अपने सीने में नक्शे इब्राहिम, कदम नक्शे इब्राहिम को सीने में नक्श कर ले, कहा कयामत जिंदा व जाबीदा हो जाएगा। तो पत्थर ने मेराजे ली, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उस कदम मुबारक का बोसा लिया और निशान को अपने सीने में जर्ज कर लिया। मुसलमानों जैसे आपका कदम पड़ा और जब ऊंचाई की जरूरत होती तो आपके कदमों की बरकत से पत्थर खुद ब खुद ऊंचा हो जाया करता था, आज वही पत्थर रखा हुआ है। अब जब हाजी जाता है दोस्ताने मोहतरम 5 लाख रुपया खर्च करके, रब तबारक व तआला कहता है वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, आए हो काबे का दरवाजा चूमने, आए हो तुम हज्जो मीना पे, आए हो तुम मकामे अरफात आबे जमजम पीने, आए हो एहराम बांध कर रमल करते हुए तमाम मनासिक हज करने के लिए, मगर मकामे इब्राहिम पर मेरे खलील का जहाँ कदम है वहाँ पेशानी रगड़, सुभान अल्लाह, सजदा कर, दो रकात नफल बतौरे शुक्राना अदा कर, तो पता ये चला कि रब भी चाहता है कि यादों को जिंदा रखा जाए, क्योंकि याद है इब्राहिम खलीलुल्लाह की, तो ये रब भी चाहता है, रब की भी मंशा है। इसलिए कुरान में कहा वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, कि हमने अब उसको फत्तर ना कहना, वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, उसको हाजियों के लिए मुसल्ला बना दिया, अब उसको नमाज पढ़ा करो मुसलमानों। तो अब दोस्तान मोहतरम, ये यादें जो आप मनाते हैं ये यादें तुम्हें बुजुर्गों से जोड़ती हैं। अब बताओ किसी भी यादें किताबों में लिखी जाए या कि कलाम किरदार से ही शादिर हों, बल्कि यादें जुबान पर भी आए, यादें हमारे किरदार में भी आए। अजमेरे मोहल्ला कितने लोग गए, हाथ उठा दीजिए,
सुभान अल्लाह। ये अजमेर मुअल्ला है, ये काबा अजमेर मुअल्ला का मेन सदर गेट है, ये दरगाह शरीफ का नजारा है सुभान अल्लाह। जैसे ही हम अंदर गए, ये दरवाजा जो है ये निजाम हैदराबाद की गुलामी का निशानी है। वहाँ वो दरबारे आली खादा गरीब नमाज का, कि वहाँ पर बोलना नहीं पड़ता कि ये लगवा दो, वो मस्जिद बनवा दो, ये दरवाजा कर दो, लंगर खोल दो, ये देख कर दो, नहीं नहीं, बल्कि वहाँ बादशाह और सलातीन जहांगीर आलमगीर जैसे लोग खुशामद करते हैं, हुजूर हुक्म दे दे क्या लगा दें। ये दरबार है मेरे ख्वाजा का मुसलमानों। तो आप अंदर जाएंगे, आपको यादें ताजा मिलेंगी। ये अकबरी मस्जिद है, ये शाहजानी मस्जिद है, ये औलिया मस्जिद है, ये गुम्बद ख्वाजा गरीब नमाज है, ये झामर शरीफ है, ये दोस्तान मोहतरम ढाई दिन का झोपड़ा है, ये जन्नती दरवाजा है। ये सब क्या है? यादें हैं। अजमेर ना जाओगे तो कैसे याद आएंगी, और अपने बच्चों को कैसे बताओगे? आओ बरेली शरीफ तो पता चलेगा कि ये अल्लाह का शेर लेट रहा है, ये आला हजरत आराम फरमा रहे हैं। पीलीभीत शरीफ जाएंगे तो मदर आला हजरत का नजारा आपको नजर आएगा, तो पता चला कि आस्थाने पर हाजिरी देने से दीन जिंदा होता है, आस्थाने पे हाजिरी देने से दीन जिंदा होता है। अरे हमारा तुम्हारा बात नहीं है, वक्त के इमाम पहुंचे हजरत इमाम शाफई, एक इमाम है शरीयत के, वो इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझसे मसला हल नहीं होता तो मैं हजरत इमाम आजम की कब्र अनवर पर पहुंच जाता हूँ, दो रकात नफल पढ़ता हूँ और आपसे मदद मांगता हूँ, आपका फेज मुझ पे नाजिल होता है दोस्ताने मोहतरम, और वो मसला मेरे लिए हल हो जाया करता है। तो ये इमाम शाफई है। अब आ जाओ, आखिरी मोहर लगा दूं तमाम तकरीरों पर। जमाती कहता है कब्र पे जाना शिर्क है, मगर अभी आपको बताया कि कब्र पर नबी गए सुभान अल्लाह, साहबा गए, सिद्दीका गई, फातिमा गई, इमाम शाफई पहुंचे, और वक्त होता तो बताता गौसे आदम पहुंचे, ख्वाजा गरीब नमाज हुजूर गंज दाता गंज बख्श हिजबेरी अलरहमा के आस्थाने पर पहुंचे, तो पता चला नबी पहुंचे, साहबा पहुंचे, ताबईन पहुंचे, अइम्मा पहुंचे, सालिहीन पहुंचे। तो एक तरफ वहां भी कह रहा कब्र पर जाना शिर्क बिदत है, एक तरफ नबी पहुंचे और पहुंचे नहीं, बुलाया भी मन जा रहा कबरी ही वजाहत लहू शफातहू। ए हाज करने वाले हाजियों, तुम्हें ये जमानत हज के किसी मैदान में ना मिलेगी जो जमानत तुम्हें तुम्हारा मुस्तफा दे रहा है, तुम्हें ना तो काबे में मिलेगी ये जमानत, हाँ वहाँ तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, मगर शफात की जमानत मिलेगी तो ये मुस्तफा करीम के दरबार में मिलेगी। आका इरशाद फरमाते हैं जो हज करने आया और मेरी कब्र पर नहीं आया उसने जुल्म किया। फिर आका इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अब पता ये चला कि नबी कब्र पर बुला रहे हैं, वहां भी कब्र से हटा रहे हैं, तो पता ये चला कि दुश्मन दीन यही है। इसीलिए तो सहाबा इकराम की कब्र को इन देवबंदी वहाबियों ने बुलडल चढ़ा दिया माज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गो, इन जमात से दूर हो जाओ। आखिरी नुक्ता, आखिरी पैगाम देकर जा रहा हूँ, और जो आपके मिजाज के हिसाब से देकर जा रहा हूँ। आज एक सवाल होता है मेरे भाई मेरे बुजुर्गो की तकरीरों में रद्द वहाबिया होता है, ये बंद होना चाहिए। आज चलो तुम्हारी बात मान ली जाए, मगर कैसे बंद होना चाहिए? अच्छा तुम्हारी माने कि कुरान की माने, ये बता दो, कुरान की माने सुभान अल्लाह। अब आओ दोस्ताने मोहतरम, तो देखिए क्या होता है, आप है सीधे साधे लोग, आपको लगता है कि ये बुराई है, आपको लगता है कि ये गाली है, आपको लगता है कि ये गीबत है, मगर ये इबादत है बेशक। आओ मुसलमानों, कुरान पढ़ते हो कह दो सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ते हो कह दो सुभान अल्लाह। तो बताइए चला, कुरान को जब आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा सबसे पहले? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नमाज को पढ़ा तो क्या पढ़ा सबसे पहले? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सना के बाद नमाज शुरू होती है, जब क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, वजू करके घर से गए थे, पाक होके गए थे। अच्छा ये बताओ, गाली देने से वजू टूट जाता है? बोलो, बोलिए, नहीं टूटता है। चलो ठीक है, मगर कुछ लोग कहते हैं गाली देने से वजू टूटता है, मकरूह जरूर हो जाता है। चलिए ठीक है, आप लोग कहते हैं गाली दो तो वजह टूट जाता है, मगर आप नमाज में गए तो गाली दी, कुरान की तिलावत की तो गाली दी। आप सोचेंगे हमने गाली कहा दी, हमने तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। तो आपने शैतान को दो गाली दी, एक तो उसको शैतान कहा, दूसरा रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने शैतान कहा फिर रजीम, दो गाली मुसलमानों आपने उसको दे दी। शैतान का माने होता है मरदूद, शैतान का माने होता है भटका हुआ, शैतान का माने होता है गुमराह, शैतान का माने होता है भूत, शैतान का माने होता है देव, रजीम का माने होता है हरामी, रजीम का माने होता है मर्दूद।
बताइए चला कि आप नमाज पढ़ने गए थे कि गाली देने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे कि गीवत करने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे दोस्ताने मोहतरम की बुराई करने गए थे, आप तो गए थे नमाज पढ़ने और शैतान को गाली देने लगे। अरे वहाँ तो रहमान को पुकारने गए थे, वहाँ रहीम कहना था, वहाँ रहमान कहना था, मगर आप उसको बुरा कहने लगे, रजीम कहने लगे। ये फलसफा क्या है समझ में नहीं आता। ये फलसफा ये है मुसलमानों कि मोहब्बत के सिर्फ दो ही उसूल है, एक तो ये है कि जिस महबूब से मोहब्बत की जाए उसकी हर अदा से हर चीज से मोहब्बत की जाए, दूसरा उसूल ये है कि उसके दुश्मनों से दुश्मनी भी रखी जाए, उसके दुश्मनों से दुश्मनी भी रखा जाए। अब शैतान जो है दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल, दुश्मन मुसलमान है, ये अजली दुश्मन है। रब ने कहा वजू बना के आया, अच्छी बात, गुस्ल करके आया, अच्छी बात, तो अब आ गया है मेरे सामने, खड़ा हो गया है काबे की तरफ, रुक भी कर लिया, नियत भी बांध लिया है, मगर बता तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा विचारधारा क्या है, तेरी सोच क्या है उस शैतान मर्दूद के बारे में जिसने मेरा हुक्म नहीं माना, जिसने नबी की तआज़ीम नहीं की। अगर अकीदा कहने वाला ये कह दे माज़ अल्लाह के मैं भी उसी जमात से हूँ, तो कहा चल दूर हट, ना तेरी नमाज की जरूरत, ना कलमा की, ना रोजा की, ना हज्जो बेतुल्ला की। ये बारगाह में वही आए जो शैतान को रजीम कहे, जो शैतान को मर्दूद कहे। तो पता ये चला मुसलमानों कि आप रद्दे वहाबिया से मना कर रहे थे, मगर रद्दे वहाबिया, रद्दे बद मजहबिया वो चीज है, रद्दे शैतान मलून वो चीज है, कि ये गीबत रही इबादत है, क्योंकि रब तबारक व ताला का फरमान है और सुन्नत सहाबा और सुन्नत रसूल अल्लाह है। तो गीबत नहीं मुसलमानों, बल्कि इसमें ईमान की जिला है, और जो इसको मना करे वो भी वही इसी जमात से समझा जाएगा। अब आओ हमारे कितने कलमे, पांच, ये दो, अव्वल कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा तौहीद। तो हमने अव्वल कलमा पढ़ा जिसमें रब तबारक व ताला की वहदानियत की गवाही दी, दूसरा कलमा पढ़ा शहादत का बयान आ गया, तीसरा अल्लाह की तमजीद बयान की, और चौथा कलमा अल्लाह की तौहीद, और पांचवा कलमा रद्दे कुफ्र। तो पता चला कि तुम्हारे कलमों में भी रद्द है, तो पता चला कि हम वो सुन्नी मुसलमान है कि रद्दे कुफ्र भी करते हैं, रद्दे वहाबिया भी करते हैं, रद्दे जमातिया भी करते हैं, रद्दे तबलीगी भी करेंगे, जब आला हजरत पर उंगली उठेगी तो उनका भी रद्द किया जाएगा, रद्दे सुला कुल्ली भी करेंगे। तो पता ये चला मुसलमानों कि ईमान धर्म से देखोगे तो हर जगह तुम्हें रद्द नजर आएगा, हर जगह रद्द ही से शुरू होता है। तो ये रद्द करना इबादत है और इसमें बड़ा बड़ा सवाब है। आपको बताता चलो, सिर्फ रद्द करना इबादत के साथ साथ फायदेमंद भी है। हुजूर शरीय सुन्नत की बारगाह में एक साहब आए और कहा कि हुजूर मेरी भैंस दूध देती थी और अब तो वो कूद गई है, दूध ही नहीं देती, पाना ही नहीं छोड़ती, हुजूर कोई अमल बता दे। तो आपने कहा कि एक काम करो, जाओ मियाँ अपनी भैंस के कान में जितने भी सड़े हुए भाभी है उन पर रद्द करो, उन पर लानत भेजो, अब्दुल वहाब तू लानती, तू जहन्नमी, इस्माइल धैरवी तू कुत्ता, तू खिंजीर, इस तरीके से तीन दिन मुतवाते ये अमल करना। अब जिनको ये अमल दिया जा रहा वो सोचने लगे कि हजरत मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे यकीन ना हुआ, मैंने फिर दूसरी जगह इलाज कराया मगर भैंस को फायदा ना हुआ, दूध नहीं दिया मगर मरता क्या नहीं करता, अकीदा तो नहीं था, मान तो नहीं रहा था, मगर मैंने कहा कि इतने बड़े हजरत ने बताया है सुभान अल्लाह, तो कोई गलत नहीं बताया होगा, चलो इस पर अमल कर लिया जाए। जब वो कहते मैंने अमल किया और नबी के गुस्ताखों का रद्द किया, उसके कान में उनको गाली दी, उनकी गीबत की, उन पर लानतें भेजी, अल्लाह की फिटकार भेजी, भैंस ने दूसरे ही दिन पाना छोड़ दिया, दूध देना शुरू कर दिया, तो मैं घबरा गया कि मैंने तो गाली दी है, कोई वजीफा नहीं पड़ा, कोई आयत नहीं पड़ी, दुरूद नहीं पड़ी, दौड़ा दौड़ा हजरत की बारगाह में आया कि हजरत मामला क्या है, मैंने उसको जो आपके बताए मुताबिक रद्द किया, वहाबियों की बुराई की, उन पर अल्लाह की लानत मारी, और क्या हुआ कि भैंस दूध देने लगी, तो पता ये चला कि हजरत क्या गाली देने में भी शिफा है। तो कहा कि जो नबी का गुस्ताख है वो खुदा का गुस्ताख है, और बता दूं कि जब खुदा का जो दुश्मन होता है जब तुम उसकी बुराई करोगे। हजरत ने फिर ये भी जुमला कहा कि अच्छा मियां ये बताओ कि तुम्हारा जो दुश्मन हो, तुम्हारा जो दुश्मन हो और जानी दुश्मन हो, मैं उसकी बुराई करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा और मैं कैसा लगूंगा। कहा हजरत मुझे तो आप सबसे प्यारे लगोगे जो मेरे दुश्मन की बुराई करे, यानी ये भी मेरी गैंग का, मेरी जमात का आदमी है, मेरी जमात का आदमी है, मेरा चाहने वाला है। तो रब का जो दुश्मन हो, नबी का जो दुश्मन हो, नबी के दुश्मन की जब बुराई हो तो रहमत नाजिल होती है, शिफा नाजिल होती है, और जब रहमत नाजिल होती है तो काम बन जाते हैं मुसलमान। तो मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये ग्यारहवीं सदी की तकरीबात को आपने सजाया मनाया किया, यादों को मनाओ, जिंदा रखो, और आस्थाने औलिया पे हाजिरी दिया करो, हर जुमेरात अपने इलाके की दरगाहों पर जाया करो मुसलमानों, क्योंकि दरगाहों पर जाने से खुदा याद आता है, इस्लाम जिंदा होता है, और इन यादों को मिटने मत दो।
ग्यारहवीं शरीफ की तकरीबात करते रहा करो। अरे हम तुम क्या है, ग्यारहवीं शरीफ बहुत बड़ी दोस्ताने मोहतरम दाफई बरेयाज और शाफी अमराज नुस्खा है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कौन सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो आशिक नबी और वली कामिल है, जिन्होंने नबी को 400 मरतबा देखा, सुभान अल्लाह, ख्वाब में नहीं जगते हुए देखा। वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पर हर महीना हुजूर गौसे आजम की ग्यारहवीं का एहतमाम करता हूँ, नियाज मनाता हूँ, उसकी बरकत से रिस्क में कारोबार में इजाफे का मामला ये है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अब कोई अपनी रोजी और कारोबार को चमकाना चाहे और किस्मत का मुकद्दर बनाना चाहे, वो हुजूर गौसे आजम की ग्यारहवीं को लाजिम पकड़ ले। तो जब इतने वलियों को, बड़े बड़े वलियों को हाजत है गौसे आजम की, तो हमें कितनी जरूरत हाजत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बस दोस्तान मोहतरम, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, और ईमान तेरा लुट गया है रहजन के हाथों से, ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम।